भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को नगर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सुबह से ही अलग अलग मोहल्लों से रैलियां निकलनी शुरू हुई थी। इस वर्ष सरकार की ओर से पाबंदियों को हटाने से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों ने उत्साह के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने सबका मन मोह लिया। भले ही पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन इस वर्ष अम्बेडकर जयंती को लेकर जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए, उसे देखकर लगता है कि पुलिस कोई न कोई खुफिया जानकारी जरूर मिली है। इस वर्ष अम्बेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए 6,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। 2 दिन के लिए सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई थी। गुरुवार को 295 स्थानों से रैली का आयोजन किया गया था। रात से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती शुरू हो गई। दीक्षा भूमि, संविधान चौक, ड्रैगन पैलेस, भीम चौक और कामठी के जयस्तंभ चौक पर बड़े कार्यक्रम होने से सीपी से लेकर पीसी तक सभी बंदोबस्त में तैनात रहे। 600 होमगार्ड और SRPF की एक कंपनी भी बंदोबस्त में लगाई गई थी। सुबह से ही अनुयायी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने दीक्षा भूमि पहुँच रहे थे। 2 साल में पहली बार गुरुवार को अनुयायियों को प्रत्यक्ष दीक्षा भूमि जाकर अभिवादन करने का मौका मिला था। इस कारण सभी में एक नया उत्साह था। दीक्षा भूमि स्मारक समिति की ओर से भी पूरी व्यवस्था की गई थी। दोन वर्षापासून सर्व अनुयायी प्रतीक्षित होते, त्यामुळे या वर्षी उत्साह आमच्या अपेक्षेप्रमाणे जास्तच आहे। जे दरवर्षी आता 8:30 वाजले आहेत, जेवढ्या प्रमाणात गर्दी असते त्याच्या दुप्पट गर्दी आहे, आणि त्या प्रकारे स्मारक समितीनं पाण्याची विजेची सर्व व्यवस्था जास्त गर्दी राहील हे गृहीत धरूनच केलेली आहे, त्यामुळे कुठलीही अनुयायांना गैरसोय होणार नाही याची मी तुम्हाला खात्री देतो। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीतर्फे सकाळी 9 वाजता पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई हे सर्वांना बुद्धवंदना देतील। त्यानंतर समता सैनिक दलातर्फे मानवंदना देण्यात येईल। त्यानंतर संध्याकाळी 6:30 वाजता एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्यात वेगवेगळ्या धर्माचे रिप्रेझेंटेटिव्स येऊन बाबासाहेबांना आपली आदरांजली वाहतील। मुख्य म्हणजे प्रोफेसर यादव दिल्ली विद्यापीठाचे आहेत, त्यांनी त्यांचा विषय आहे संविधान आणि नवीन शैक्षणिक नीती। त्यानंतर औरंगाबादचे ज्येष्ठ पत्रकार ते संविधान आणि सध्याची राजकीय परिस्थिती यावर प्रबोधन करतील। बौद्ध धर्मावर प्रबोधन भदंत विमल कित्ती गुणसरी हे करतील। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष परत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई राहतील आणि संचलन डॉक्टर प्रदीप अगलावे करते। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।